सो हाई एवरीवन, माय नेम इज जतिन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। और खुशी का रीज़न ये है कि अभी मैं एमपी पटवारी और जो बाकी उसके साथ जो पोस्ट आई है उसका पेपर देके आ रहा हूँ, और जो मेरे नंबर आ रहे हैं वहाँ पर वो आ रहे हैं 155। तो मैंने सोचा है कि आज आखिरकार अपना भी वो दिन आ चुका है जब अपन मम्मी पापा को अपना रिज़ल्ट बताएंगे कि इतने नंबर आ रहे हैं। दो अभी रिज़ल्ट एग्जैक्टली नहीं आया कि आपका हो गया है, बट मेरी आदत बचपन से ऐसी रही है कि मैं चीज़ के आने से पहले ही खुशी मना लेता हूँ, और उसके चक्कर में कभी कभार ऐसा बार हुआ भी नहीं तो दुख भी होता है, बट वो आदत रही और मुझे अभी भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है एकदम बच्चे की तरह। हो तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उनको बताना है और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है जब मैं उनको बताऊँगा कि मेरे 155 नंबर आ रहे हैं। और मेरी भी 17th अप्रैल वाली शिफ्ट है, तो अब रिलेटिवली टफर शिफ्ट आ रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब अच्छी पोस्ट मिल जाएंगी, मतलब पटवारी से भी ऊपर वाली पोस्ट, मतलब शायद टॉप पोस्ट भी मिल जाएँ। जैसा मुझे लोग बाग बता रहे थे, मैंने तो अभी चेक नहीं किया है, पर जो साथ वाले थे, क्योंकि मुझे साथ में कोई भी किसी के भी नंबर 122 से ऊपर दिखे नहीं अभी तक, तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि शायद ज़्यादा नंबर है काफ़ी, तो शायद टॉप प्रेफरेंस भी मुझे मिल जाए। तो वही में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो अभी वो घर पे कोई भी नहीं है, एक्चुअली बात है वो लोग सब लोग अभी शाम के, मैं जैसे अभी घर आया ही हूँ, एंटर करा हुआ है मैंने, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये अपना डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी, डब्बा वाला टीवी। तो अभी क्या है कि 6:50 के लगभग समय हो रहा है, 5:30 के लगभग पेपर ख़त्म हुआ था, आते आते समय लग गया, बहुत दूर था सेंटर और बाहर निकलते निकलते भी लग गया। अब मैं फ़ोन को कहीं जगह रखता हूँ, और जैसे वो आएंगे मैं एक तो मिठाई लेके आया हूँ सबसे पहले, भगवान जी को चढ़ा भी दिया सबसे पहले, ठीक है। और अभी घर के भगवान जी हैं तो उनको भी मैं चढ़ाता हूँ, और फिर मम्मी पापा को बताएंगे, ठीक है, और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि ये पटवारी के एग्ज़ाम दो मैं दे नहीं रहा था स्टार्टिंग में, और मेरा पर क्योंकि क्या था कि मुझे मेरे को थोड़ा और पटवारी की मेरी जो हायर पोस्ट थी वो ज़्यादा टारगेट था, और मुझे लग नहीं रहा था कि इतने नंबर आएंगे। मैंने सोचा था 150 नंबर आ जाएंगे या 140 आ जाएंगे, बट 155 वॉज समथिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ अभी। और तो बस वही क्या करना है, सबसे पहले अपन भगवान जी का भी थैंक यू कहेंगे, और फिर उसके बाद जल्दी से कैमरा सेट करेंगे, और जैसे ही वो एंट्री करेंगे और अपन वो वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। और मेरे को पर दोनों को एक साथ बुलाना पड़ेगा यार, घर पे दोनों अलग अलग जगह बाहर गए हुए हैं, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करें। सोचते हैं, सबसे पहले मुँह हाथ तो धो लो, अभी आए हुए हो, ठीक है, ओके। और ए भगवान, आप कुछ ऊटपटक ना हो बस यार, ठीक है, मैं पहली खुशी बना रहा हूँ, पर आदत हमेशा ऐसी रही है यार कि रोना नहीं चालू करना, ठीक है, और स्ट्रगल की कहानी भी सुनानी। बट यस, आप सबको पता है कि बहुत स्ट्रगल लगता है भाई, गवर्नमेंट एग्जाम, मिडिल क्लास बॉयज, एवरीथिंग, एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट। तो या चलो कंटिन्यू करते हैं, बाय बाय, रोना नहीं है ना, रोना है, ठीक है। कितने लाया बताओ? 140 मिलाया, 155 बस। दिखा सुरुख सुरुख के आंखों के आंसू, पैदल ही वो करेंगे ना, पैदल नहीं यहाँ से, नहीं मथुरा परकम। अच्छा इधर दिखाओ, मम्मी इधर कैमरे पे दिखाओ, कैमरे में रोके। मम्मी आप लोग घर नहीं बनवाने की जरूरत, अपन अब घर नहीं बनवाएंगे, अब घर थोड़ा बनवाएंगे, सरकारी घर में चलेंगे, दूध संघ के बाजू में चलेंगे अपन, यहीं पे एलबी रोड पे, मैं फिर दूध संघ में ड्यूटी जाऊंगा, ट्यूटर रन की तरह, तो ड्यूटी का अटेंडेंस लगाइए वापस घर पे, ड्यूटी का अटेंडेंस लगाइए वापस घर पे, बस समझ गए। अब मैं, अरे सुन तो ले, अब मैं कल जा रहा हूँ लद्दाख की ट्रिक पे हीरो होंडा उठा के। पापा जी पुरानी गाड़ी है, सबको बताऊं 20 साल पुरानी गाड़ी, बस। तो पापा जी अपन जा रहे लद्दाख, लद्दाख पता है कहाँ पर है? कहाँ पर है लद्दाख? लेह में। लेह कहाँ पर है? लेह में, भारत में पर है। अभी मैं जा रहा हूँ लद्दाख, अब आज से बस आराम होगा, ज़्यादा मत इतरा के, आज से अब मैं उठूँगा 12 बजे। आइए
आइए ऐसे बना, या फिर वो क्या बोलते हैं आतंकवादी रहते हैं ना,